जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह हो शाम। बलगीन का सहारा पापियों का दोस्त है यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह हो शाम। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज का सेवा को आशीष कीजिए, वचन को आशीष कीजिए, सुनने वाले को आशीष कीजिए, गुलाम को छुपा कर प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमेन। अभी का वचन है मत्ती शिक्षण दसवा अध्याय 37, 38, 39। इसमें हम देखते हैं मत्ती शिक्षण दसवा अध्याय और वर्स 37, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। कैसा हो सकता है? यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, परमेश्वर से अधिक प्रिय हम किसी को नहीं जान सकते हैं। भले माता पिता हमारा बड़े हैं, सब कुछ है, फिर भी यीशु मसीह ऐसा कहते हैं परमेश्वर से भी अधिक नहीं प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि वो निरंतर इस पृथ्वी में रहने वाला नहीं है। एक ही शक्ति इस पृथ्वी में रहने वाला है, वो यीशु मसीह है। इधर भी रहने वाला है और मरने के बाद और एक दुनिया है, उधर भी है, यीशु मसीह है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं मेरे को अधिक प्रेम कीजिए, संसार से भी बढ़कर, अपने माता पिता से भी बढ़कर, क्योंकि माता पिता जितना है लिमिट उसे ही हमको प्रेयर कर सकते हैं, हमको संभाल सकते हैं, हमको दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा हमको आशीष करने वाला यीशु मसीह है। हम पढ़ाई करते हैं, काम धंधा करते हैं, हम विदेशी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमको बचाने वाला कौन है? बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, लेकिन बचाने वाला कौन है? बीमारी हो गया, माँ पिताजी मर रहे हैं बीमारी में, और बच्चे लोग माँ पिताजी के सामने मर रहे हैं, वो लोग को कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है मैं ही हूँ डॉक्टर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, यीशु मसीह सब कुछ है। हम पहला अधिक प्रेम करने वाले यीशु मसीह है, प्रिय जानते हैं वह मेरे योग्य नहीं। हम माता पिता को हम आज्ञा पालन करना चाहिए, उनको इज्जत करना चाहिए, लेकिन अधिक प्रेम करने वाला का चाहिए तो वो यीशु मसीह है। सूली पर चढ़कर अपने जान दिया, अपने माता पिताजी हमारे लिए तो ज्यादा करते हैं, लेकिन हम अधिक प्रेम करने वाले यीशु मसीह से हैं। हम आदि आगे नीचे देखेंगे तो, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानते हैं वह मेरे योग्य नहीं है। कोई कई लोगों अपने बेटे बेटी को बहुत प्रेम करते हैं, अंत में क्या करता है, वो ही बेटा उनको खाना नहीं देता है। मैं फेसबुक में देखा और एक बुजुर्ग ऐसा रोते हैं, मैं मेरे बच्चों को इतना अच्छा पाला पोषण किया, मैं उसे ज्यादा नहीं पूछता, खाली मेरे को खाना दे, लेकिन खाना नहीं देता है। वचन कहता है अपने बेटे को बेटी को अधिक परमेश्वर से भी अधिक नहीं प्रेम करना चाहिए। पहला प्रेम हम करना चाहिए यीशु मसीह को। देखा है एक मत्ती संदेश में, बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरा योग्य नहीं है। और एक संभव मैं आपसे कहता हूं, एक जेंटलमैन विदेशी में काम करने के लिए गया और बाहर देश में काम किया और अंत में कुछ साल उधर था और पैसा कमाया और अपने देश में आया, आते समय में वो हार्ट अटैक में मर गया। इसका वजह क्या है? हार्ट अटैक में वो इंसान मर गया एयरपोर्ट में। वो सोचा मैं अपने लड़के लड़की सबको मैं देखने के लिए आया, करके बहुत आनंद किया लगता। डॉक्टर ने बोला किसी किसी को ज्यादा आनंद देते तो अटैक आता है, लेकिन वो ज्यादा आनंद में वो प्रेयर करना चाहिए परमेश्वर में। विदेशी में था मैं, अभी मेरा बच्चे लोग को मैं देखने मेरे देश में जा रहा हूँ, आप मेरे को संभालिए, मेरे को आशीष कीजिए, मैं सही तरह से मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। ऐसे वो इंसान प्रेयर करके आता तो वो नहीं मरता था, लेकिन इस वचन के अनुसार मेरे से अधिक तू ज्यादा प्रेम करता है तो कुछ भी हो सकता है संसार में, क्योंकि वो लोग हमारा बड़ा नहीं है, उनसे भी बड़ा शक्ति है। बाल बच्चे को देखने वाला, हम बाल बच्चों को देखते हैं, लेकिन हमारे से बढ़कर यीशु मसीह बाल बच्चों को देखते हैं। तो पहला प्रेम हम यीशु मसीह करना चाहिए, दूसरा हमारे बच्चे लोग हमारे माँ पिता से करना चाहिए। और जो अपना क्रूस
क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वो मेरा योग्य नहीं है। हर एक इंसान को एक क्रूस है, क्रॉस, इंग्लिश में क्रॉस कहते हैं, हिंदी में क्रूस कहते हैं। क्रूस में परमेश्वर ने बलिदान हुआ। क्रूस ऐसा चीज है, ये पूरे संसार को आशीर्वाद दिया यीशु मसीह के द्वारा। अभी मेरे लिए ये क्या क्रूस है? कुछ भी वजह रहेगा हमको तकलीफ देने वाला, ऑफिस में हमको तकलीफ देते हैं, काम में हमको तकलीफ देते हैं, शरीर में हमको तकलीफ देते हैं, ये जो तकलीफ है बीमारी हमको तकलीफ देते हैं, लेकिन हम काम कर सकते हैं। छोटी मोटी बीमारी हमको तकलीफ देगी, हमको जो समस्या हमको तकलीफ दे, ये क्रूस है। बिना तकलीफ, बिना बोझ, बिना तकलीफ वाला इंसान इस दुनिया में नहीं है। बिना छोटी मोटी बीमारी है वैसा बिल्कुल बीमारी नहीं करके बोलने वाले संसार में नहीं है। हमको सिर दुखते हैं, बीमारी आते हैं, बहुत सारे है, लेकिन इधर परमेश्वर कहते हैं अपना क्रूस है। बाल बच्चा अपने को क्रूस जैसा दिखेगा, कोई कोई बच्चा आज्ञा नहीं पालन करेगा, कोई कोई पत्नी आज्ञा नहीं पालन करेंगे, कोई कोई पति अपनी आज्ञा नहीं पालन नहीं करेंगे, तो ये सब क्रूस है। पति अच्छे रहेंगे, पत्नी प्रेयर नहीं करेंगे, और बच्चे लोग अपने आज्ञा नहीं पालन करेंगे, उनकी आदत खराब रहता है, धंधे में नुकसान है, काम में बराबर नहीं है, ऐसा बहुत सारे विषय है। ये सब क्रूस है। यीशु मसीह ने क्रूस लेकर चला गया, जा रहा था और उसमें बलि हुआ। आपके लिए, मेरे लिए बहुत सारे छुटकारा रखा यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा। और हम भी अपने क्रूस लेके हम जाएंगे तो हम दूसरे को भी आशीर्वाद लाएंगे, अपने परिवार को भी आशीर्वाद लाएंगे। हम सोचते हैं हमको ये कमी चीज है, मैं ऐसे जगह में रहता हूँ, वो लोग बड़े हैं, वो लोग ज्यादा पैसा है, ऐसा हम सोचते हैं, वो भी हमारा क्रूस है। जैसा परमेश्वर हमको आशीर्वाद किया, एक लाजर करके इंसान तो गरीब था, भिखारी था, उस स्थिति में उसने परमेश्वर को महिमा किया, लेकिन इस संसार में उसने यीशु मसीह से ज्यादा डिमांड नहीं रखा, मेरे को ज्यादा आशीर्वाद चाहिए। उसने इतना ही चाहा था, वो धनवान के घर के बाजू में बैठकर उसमें जो कुछ मेरे को खाने को मिला मैं खाके अपने में जिंदगी बिताऊं। अंत में वो लाजर मर गया, लेकिन बड़ा आशीर्वाद स्वर्ग में मिला। हम इस संसार के आशीर्वाद देखते हैं, परमेश्वर संसार का भी आशीर्वाद देंगे, लेकिन सदा सदा रहने वाला जगह है वो स्वर्ग है, अंतिम जगह है। उस जगह में इस भिखारी लाजर ने चला गया, क्योंकि उसका क्रूस क्या था? उसका बीमारी था, और वो खाने पीने उसका नहीं मिलता था, वो उसका क्रूस था। वो लेकर वो लाजर अपने रास्ते में चला, अपने जिंदगी बिताया, अंत में बड़ा आशीर्वाद पाया। यीशु मसीह वैसा ही कहते हैं, हर एक आपको भी एक क्रूस है, मेरा भी एक क्रूस है, वो लेकर मैं अपने रास्ता में जाना चाहिए, वैसा करके तो लिखा है। अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वो मेरा योग्य नहीं है। जो अपने प्राण बचाता है, ये कैसा होता है, वह उसे खोएगा। प्राण बचाना क्या है? कोई को 12 घंटा 14 घंटा सोएंगे, ज्यादा तकलीफ नहीं उठाने का, ऐसे ही मेरे को पैसा कमाना चाहिए, अपने आप को खोएगा। लेकिन इधर परमेश्वर लिखा है, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। परमेश्वर के कारण अपना प्राण खोना चाहिए। किस विषय में परमेश्वर के कारण प्राण खोएंगे? हमको हर रोज प्रार्थना करना पड़ेगा। उस प्रार्थना कर दानियल ने 3 बार एक दिन में प्रेयर किया, बड़े ही आशीर्वाद पाया। प्राण कैसा आप खोएंगे? सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए, 5 बजे 6 बजे उठ के प्रार्थना करना चाहिए, उसमें हमारा प्राण जाएगा। आज बहुत सारे जन एक्सरसाइज करता है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो समय आप एक्सरसाइज में आप बिताते हैं उस समय प्रार्थना में बिताइए। इधर बाइबल में यीशु मसीह जब सुबह उठकर प्रार्थना करने चले गए, और मूसा जी ने सुबह उठा प्रार्थना करने चले गए, और छेरे लोग ऐसे कहते हैं, हमारा काम है उपदेश करना और प्रार्थना करना। आज बहुत जन सुबह हम देखते तो जॉगिंग करना चाहते हैं। उस समय आप प्रार्थना में बिताइए, आपको बीमारी नहीं आएगा। बाइबल कहता है, बाइबल क्या आपको चाहिए, क्या तकलीफ है शरीर में? आप सुबह उठकर बैठकर प्रार्थना में बोलिए, ऐसा तकलीफ है परमेश्वर, ये तकलीफ को दूर कीजिए मेरे को। तो उसमें इधर लिखता है, परमेश्वर के कारण प्राण खो सकते हैं। कोई भी बहुत सारे सेवा करते हैं, उधर उसको वो लोग को मार देते हैं। अभी हम मणिपुर में देखा, बहुत जन को मार दिया परमेश्वर के खातिर, वो लोग ने अपना प्राण दिया मणिपुर में। एक समय आएगा इस देश में, इस धरती में 1000 साल इधर राज होएगा यीशु मसीह के राज में। ये जो मणिपुर में जो जो मारा था,
जो जो इंसान यीशु मसीह के नाम में यानी मर गया वो सब जीवन पाकर इस संसार में 1000 साल राज करेगा, अंत में स्वर्ग में चला जाएगा। वैसे वचन कहता है मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यीशु मसीह के कारण जो कोई प्राण खोता है वो पाएगा करके वचन कहते हैं। हाँ भी अपने प्राण यानी अपने ताकत प्रार्थना में अच्छे काम करने के लिए सच्चाई बोलने में अब अपने प्राण खोएंगे तो आप पाएंगे करके पवित्र वचन कहते हैं। इस मत्ती सुसमाचार से हम देखा माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करने वाला, लेकिन हम बाइबल में एक इंसान को हम देखेंगे वो माता पिता से अधिक परमेश्वर को प्रेम वो उसने प्रेम किया, बच्चे से बढ़कर परमेश्वर से उसने प्रेम किया। कौन इंसान है? अब्राहम है, इब्राहिम। हम उत्पत्ति के किताब में 12 अध्याय में हम देखेंगे तो ये इंसान बाल बच्चे माँ पिता से अधिक परमेश्वर से प्रेम किया। उत्पत्ति के किताब 12 अध्याय पहला वचन में पढ़ता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर इंसान से बात करने वाला है, आपसे भी परमेश्वर बात करेंगे। इस ऑफिस में ही सर्विस करना, नहीं तो दूसरा ऑफिस में जाना, तो ऐसा धंधा करना, ऐसा जीना चाहिए। परमेश्वर बात करने वाले हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है हमारा यीशु मसीह बात करने वाले हैं। ये यीशु मसीह अब्राहम से बात किया छोड़कर आना, कैसा अपने कुटुंब को छोड़ के आ सकता है, अपने पिता के घर को कैसे छोड़ के आ सकता है। यही परमेश्वर मत्ती के सुख संदेश में गया, अधिक प्रेम करने वाला, अधिक प्रेम करना चाहिए यीशु मसीह से। तो अब्राहम ने यीशु मसीह से अधिक प्रेम किया, अपने देश छोड़ के आया और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब ये सब छोड़ के आप आएंगे, अधिक परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अधिक समय परमेश्वर से बिताएंगे, अधिक समय परमेश्वर से बिताना चाहिए, आप स्पेंड करना चाहिए, ज्यादा समय यीशु मसीह से स्पेंड करना चाहिए। आप स्पेंड करते हैं आप आशीर्वाद पाएंगे, ज्यादा जीवन यीशु मसीह को देते हैं आप आशीर्वाद पाएंगे। पवित्र शास्त्र अब्राहम ने किया, बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आपके नाम को महान करेंगे और आप आशीष का मूल्य होगा। तो ये सब आशीर्वाद आपको चाहिए तो आप क्या करना चाहिए? परमेश्वर से माँ पिता से अधिक प्रेम कीजिए, अपने बाल बच्चे से अधिक प्रेम कीजिए। और भी उत्पत्ति के 12 अध्याय 3रा वचन ऐसा कहता है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, आपके द्वारा बहुत आशीष पाएंगे। सिर्फ आप इतना करना चाहिए, ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, ज्यादा समय परमेश्वर को देना चाहिए, ज्यादा जीवन परमेश्वर को देना चाहिए और परमेश्वर को ज्यादा आप अपने कमाई से भी ज्यादा देना चाहिए। ऐसा देंगे परमेश्वर आपको सचमुच आशीष करेंगे। बाइबल में सब लिखा है, 66 किताब है, सब में परमेश्वर कहता है और आशीष करेंगे, सच्चाई लिखा हुआ है। जब आप उसको अपने आप करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, आप आशीर्वाद पाएंगे मेरे परमेश्वर के प्रजा। अब मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय हम देखें और उत्पत्ति किताब 12 अध्याय देखें और आप पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय देखें, आपसे अधिक प्रेम करना चाहिए, हमारे माँ बाप से अधिक, मेरे बाल बच्चे से अधिक और हमारा जो घराना हमारा देश से अधिक आपसे प्रेम करना चाहिए, तभी आप हमको आशीष करेंगे। हमारा जीवन आपके लिए देना चाहिए। मणिपुर में बहुत जना आपके लिए जीवन दिया, बहुत सारे कलीसिया को जला दिया, आपने फिर से देंगे करके पवित्र वचन कहता है। आपके नाम से जो कोई खोएगा आपने देंगे, दुगना देंगे। अय्यूब ने खोया, आप दुगना दिया, इनको भी आप दुगना देंगे। जो सुनने वालों को आशीष कीजिए, आपके लिए जीवन बिताने के लिए आप भर दीजिए, आपके लिए ज्यादा समय बिताने के लिए बल दीजिए। परमेश्वर आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए, आशीष कीजिए, बीमारी उदार बोझ दूर होने दे यीशु मसीह के नाम से। वैसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।